बारवां बाब और उसकी किताब उसका बारवां बाब उसकी पहली से चौथवीं आयत तक तवज्जो के साथ पहली तिलावत सुन लें। फिर खुदावन ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीने तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो, बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के दसवें दिन हर शख्स अपने अबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक भरा ले, और अगर किसी के घराने में भरा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक भरा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने के मुकदार के मुताबिक भरा का हिसाब लगाना, तुम्हारा भरा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की चौदहवीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे जमा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाए उनके दरवाजों के दोनों बाजों पर और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पाने में उबाल कर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उस समय से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियाँ पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि यह फसा खुदावन की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैरों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावन हूँ, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देख कर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावन की यकीन का दिन समझ कर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म के उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। कलाम खुदा का पढ़ा और सुने जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।